क्या पढ़ना है? बोन्स ऑफ फोर आर्म। फोर आर्म क्या होता है? मैंने बताया ना, ये एल्बो ज्वाइंट से लेकर के और ये हैंड तक का जो एरिया होता है, रिस्ट तक का जो एरिया होता है, इसे हम कहते हैं फोर आर्म। क्या कहते हैं? फोर आर्म। फोर आर्म जो है ये, इसमें दो बोन्स होती हैं। कितनी बोन्स होती हैं? दो बोन्स होती हैं। फोर आर्म में दो बोन्स प्रेजेंट होती हैं। कितनी बोन्स? दो बोन्स। एक बोन लेटरली प्रेजेंट होती है, लेटरली मतलब बाहर की तरफ लेटरली प्रेजेंट होती है, जिसको रेडियस कहते हैं, और एक बोन मीडियली प्रेजेंट होती है, जिसे हम अल्ना कहते हैं। ठीक है, अल्ना जो है स्टेबलाइजिंग बोन होती है, और जो रेडियस होती है वो इस अल्ना के ऊपर रोटेट करती है, मूव करती है। ठीक है, क्लियर बात नहीं? तो दो बोन एक दूसरे के पैरेलल प्रेजेंट होती हैं, एक बाहर की तरफ रेडियस होती है, यानी लेटरली प्रेजेंट रेडियस, लेटरली मतलब बाहर की तरफ प्रेजेंट रेडियस होती है, और अंदर की तरफ प्रेजेंट जो है वो, यानी मीडियली प्रेजेंट जो है वो अल्ना होती है, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल प्रेजेंट होती है, जिसमें अल्ना स्टेबलाइजिंग बोन होती है और रेडियस अल्ना पर मूव करती है। ठीक है, जिसमें दो जॉइंट होते हैं, वो भी हम बताएंगे कौन कौन से जॉइंट होते हैं रेडियस और अल्ना के बीच में। ठीक है, हम पहले एक एक करके इन बोन्स के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो पहले हम रेडियस के बारे में देखते हैं। ठीक है, रेडियस में एक तो हेड होता है। क्या होता है? हेड होता है, जो जो मीडियली थोड़ा जो है वो क्या होता है, थिक चौड़ा होता है, यानी थिक होता है। ठीक है, इसका जो अपर पार्ट होता है वो कॉनकेव होता है। अपर सरफेस जो होता है, सुपीरियर सरफेस जो होता है वो कॉनकेव होता है। ठीक है, ये किससे जुड़ता है? ये हमने बताया था, अगर आपको याद होगा, ह्यूमरस के कैपिटुलम, ह्यूमरस के कैपिटुलम से जुड़ता है। लोअर एंड पर एक स्ट्रक्चर बनाया था कैपिटुलम। ठीक है, तो वो उसकी कैपिटुलम से जुड़ता है। तो ये हेड किससे जुड़ता है? ह्यूमरस के कैपिटुलम से जुड़ता है, एल्बो ज्वाइंट बनता है वहां पे। ठीक है, कौन सा किससे जुड़ता है? और मीडियल साइड में, मीडियल साइड में इसके ऊपर एक उभार होता है, मतलब ये मीडियल साइड में ये जो है ये जुड़ता है अल्ना से। अल्ना बोन पर एक रेडियल नॉच होती है। क्या होती है? रेडियल नॉच होती है, जिससे ये उससे जुड़ करके क्या बनाता है? प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर ज्वाइंट बनाता है। क्या बनाता है? प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर ज्वाइंट। रेडियस और अल्ना के बीच ज्वाइंट है, प्रॉक्सिमल प्रेजेंट है, यानी पास प्रेजेंट है, तो प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर ज्वाइंट बनता है। किसके किसके बीच में? रेडियस के हेड और अल्ना के रेडियल नॉच के बीच में। अल्ना के हेड और वो रेडियस के हेड और अल्ना के रेडियल नॉच के बीच में एक ज्वाइंट बनता है। इस ज्वाइंट को कहते हैं प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर ज्वाइंट। क्या कहते हैं इसको? ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा एक पोर्शन जो है नेक होता है। नेक से मीडियली एक उभार निकला होता है, जिसको रेडियल ट्यूबरोसिटी कहते हैं। इस पर बाइसेप्स ब्राकाई मसल्स का अटैचमेंट होता है। किस मसल का? बाइसेप्स ब्राकाई मसल्स का इस पर अटैचमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद शैफ्ट होती है। शैफ्ट में थ्री बॉर्डर एंड थ्री सर्फेसिस होते हैं। कितने होते हैं? थ्री बॉर्डर होते हैं, थ्री सर्फेसिस। बॉर्डर अंटीरियर, पोस्टीरियर एंड अंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मीडियल। तीन बॉर्डर हो गए, इस तरह तीन सर्फेसिस होते हैं, अंटीरियर पोस्टीरियर एंड अंटीरियर पोस्टीरियर एंड मीडियल सर्फेस। इस तरह तीन सर्फेस हो गए। उसके बाद हम लोअर एंड की बात करते हैं। लोअर एंड इसका जो है चौड़ा और क्वाड्रेंगुलर होता है, यानी कि यानी चार, यानी इसका क्वाड्रेंगुलर मतलब, क्वाड्रेंगुलर मतलब चार भुजाओं वाला, जगह चार है, जिस तरह क्वाड्रेंगुलर होता है लोअर सर्फेस, जिसके जिससे लेटरली जो है नीचे की तरफ एक उभार निकला हुआ होता है, जिसको स्ट्राइलाइड प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्राइलाइड प्रोसेस कहते हैं। क्लियर बात नहीं? स्ट्राइलाइड प्रोसेस कहते हैं। और मीडियली जो है इसमें एक नॉच होती है। क्या होती है? नॉच होती है, जिसे कहते हैं अल्नर नॉच। क्या कहते हैं इसको? जिस तरह यहाँ पे अल्ना के अंदर रेडियल नॉच है, उसी तरह लोअर एंड पर क्या होती है इसमें? रेडियस में अल्नर नॉच होती है, जिसमें अल्ना का हेड फिट होकर के डिस्टल रेडियो अल्नर ज्वाइंट बनाता है। कौन सा? वो प्रॉक्सिमल थी, ये डिस्टल है। डिस्टल मतलब दूरस्थ, ठीक है, दूर वाली। प्रॉक्सिमल माने करीब वाली। तो ये डिस्टल रेडियो अल्नर ज्वाइंट बनता है। किसके किसके बीच में? अल्नर नॉच ऑफ द रेडियस एंड हेड ऑफ द अल्ना, हेड ऑफ द अल्ना के बीच में ये ज्वाइंट बनता है। क्लियर बात नहीं? तो ये दो जो है रेडियो अल्नर ज्वाइंट है, एक प्रॉक्सिमल, दूसरा डिस्टल। क्लियर हो गया नहीं?
उसके बाद हम बात करते हैं अल्लाह की, दूसरी कौन जो है वो अल्लाह। अल्लाह मीडियली प्रेजेंट होती है, मीडियली मतलब ऐसे ये इधर की तरफ जो बोल होगी ये होगी ये अल्लाह होगी, इधर जो होगी वो बोल रेडियस होगी, बात समझते हैं। अब ये मीडियली प्रेजेंट होती है अल्लाह, अल्लाह जो है इसके इसी के पैरेलल मीडियली प्रेजेंट होती है। इसमें ऊपर की तरफ अगर अपर एंड की तरफ हम देखें तो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऊपर अपर एंड की तरफ आगे की तरफ निकला हुआ एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं ओलिक्रेनान प्रोसेस। क्या नाम होता है? ओलिक्रेनान प्रोसेस। ये ओलिक्रेनान प्रोसेस जब हमारा हैंड्स यानी जब हम इसको फोर आर्म को सीधा करते हैं तो ये ओलिक्रेनान प्रोसेस जो है वो ह्यूमरस के ओलिक्रेनान फोसा में फिट होता है, जिससे हाथ हमारा सीधा होता है, कल बताया था हमने, ठीक है। ये ओलिक्रेनान प्रोसेस उसी में फिट होता है जब हम आर्म को सीधा करते हैं। दूसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है ये कोरोनॉइड प्रोसेस। कोरोनॉइड प्रोसेस जब हम हाथ को ये करते हैं तो ये कोरोनॉइड फोसा में आगे की तरफ होता है, उसमें फिट होता है। जब हाथ को हम फ्लेक्स करते हैं है ना, फ्लेक्सेशन होते करते हैं तो ये जो कोरोनॉइड प्रोसेस है ये कोरोनॉइड फोसा ऑफ द ह्यूमरस में फिट होता है। कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ द ह्यूमरस में फिट होता है। उसके बाद इन दोनों प्रोसेस के बीच में एक जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ट्रॉकलियर नॉच। क्या कहते हैं? ट्रॉकलियर नॉच। ये फिट होता है ह्यूमरस के ट्रॉकलिया पे। इसे फिट होता है ह्यूमरस के ट्रॉकलिया पे, मूव करता है ह्यूमरस के, जैसे ये हो तो ये ट्रॉकलिया है तो ऐसे ऐसे उसमें मूव करता है, समझ गया ना। देखिए ऐसे ऐसे ही तो है ये, तो ये ट्रॉकलिया होगा, ट्रॉकलिया में फिट होकर ये ऐसे ऐसे मूव करता है, बात समझ गया ना, समझ गया। ये ड्रॉपलिया ह्यूमरस का होगा, ऊपर से ये तो फिट हो गया। अब ये ऐसे ऐसे मूव करता है, ये हो गया ओलिक्रेनान प्रोसेस और ये हो गया कोरोनॉइड प्रोसेस। इसके बीच में ये हो गया क्या हो गया ये क्या हो गया ट्रॉकलियर नॉच, और ट्रॉकलियर नॉच के अंदर ट्रॉकलिया फिट है और ये ऐसे मूव कर देंगे, ह्यूमरस ऐसे मूव करता है तो ये हमारी ये ज्वाइंट जो है ऐसे मूव करता है, क्लियर बात नहीं। तो ये ट्रॉकलियर नॉच ट्रॉकलिया ऑफ द ह्यूमरस पे फिट होता है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आए, जैसे कि अभी हमने बताया कि रेडियल नॉच प्रेजेंट होती है उसमें, इस रेडियल नॉच के ऊपर क्या प्रेजेंट, इस रेडियल नॉच पर में जो है रेडियस का हेड फिट होता है जिससे प्रॉक्सिमल रेडियो अंदर ज्वाइन बनती है। उसके बाद इसका शेफ्ट, इसके शेफ्ट में भी 3 बॉर्डर एंड 3 सर्फेसिस होते हैं, ठीक है। इसके सर्फेस पर जो है वो ब्रैकियलिस मसल का अटैचमेंट होता है, क्या होता है? ब्रैकियलिस मसल का अटैचमेंट होता है, और भी बहुत सारे मसल का अटैचमेंट होता है लेकिन खास मसल का नाम बताया। उसके बाद फिर नीचे आए लोअर एंड, इसका कोई खास सदा चौड़ा नहीं होता है, इसके जो है मीडियल साइड में एक प्रोसेस नीचे निकला होता है, जैसे उधर है वैसे इधर है, स्टॉलाइट प्रोसेस ऑफ अल्लाह है। ये स्टॉलाइट प्रोसेस ऑफ रेडियस है, ये स्टॉलाइट प्रोसेस ऑफ द अल्लाह है, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ जाए तो इसका जो हेड होता है, मीडियली जो हेड होता है ये रेडियस के अल्नर नॉच में फिट होता है और डिस्टल रेडियो अल्नर ज्वाइंट बनाता है, ठीक है। रेडियस का जो ये इन्फीरियर सर्फेस है ये जो है दो कार्पल बोन से जुड़ता है, एक होता है स्केफॉइड और दूसरी ल्यूनेट। ये हम कार्पल बोन जो बताएंगे नीचे की तरफ, स्केफॉइड एंड ल्यूनेट बोन होती है, इनसे जुड़ के रिस्ट ज्वाइंट बनाता है। क्लियर, कौन सा? रेडियस, अल्ना नहीं, रेडियस बनाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया पूरा इसके बारे में, रेडियस एंड अल्ना के बारे में, आगे समझ में क्लियर हो गया।